डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास ऑफ बी एच एस मंडीगाम, अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टोरी आगे पढ़ते हैं, द टेम्पेस्ट सेकेंड, पेज नंबर 43 है। इन द मीन टाइम द किंग ऑफ नेपल्स एंटोनियो गोंजेलो एंड अदर्स वेर वॉन्डरिंग अबाउट ऑन द आईलैंड। टायर्ड एंड हंग्री दे सैट डाउन टू रेस्ट। एरियल पुट इनवाइटिंग फूड बिफोर देम, बट वेन दे ट्राई टू ईट इट, इट डिसअपीयर्ड सडनली। तो इधर किंग ऑफ नेपल्स एंटोनियो गोंजेलो और बाकी जो इनके साथी होते हैं वो इस जजीरे पे थके हुए भूखे हुए होते हैं, और एरियल अब इनके सामने एक लजीज खाना पेश करता है, लेकिन जो ही वो खाने लगते हैं तो ये खाना गायब हो जाता है। एरियल अपीयर टू देम विद थंडर एंड लाइटनिंग। और एरियल कैसे इनके सामने जाहिर होता है, जैसे बादलों की गरज और कड़कती हुई बिजली। While they stood amazed at the sight, he said to Antonio and the king, "You are two men guilty before God and man." तो अब ये इनसे कहता है कि तुम दो आदमी, तुम असली गुनहगार हो, king of Naples और Antonio. Think of your evil deeds. Remember how cruelly you treated Prospero and his innocent child. It was a terrible crime. All that you have undergone is God's punishment for your crimes. तो एरियल इनसे इनके गुनाह जो है वो कबूल करवाता है। तो ये दोनों अपने गुनाह कबूल करवा कर लेते हैं, और एरियल इनसे कहता है कि ये तुम्हें अल्लाह की, खुदा की तरफ से सजा है। इफ यू डू नॉट सिंसियरली रिपेंट ऑफ योर इविल डीड्स, देयर इज वर्स इन स्टोर फॉर यू। तो एरियल इनसे कहता है, अगर तुम अभी भी तोबा नहीं करोगे तो इससे भी अभी तुम्हारी बुरी हालत हो जाएगी। Then Ariel disappeared in thunder and lightning, leaving them almost mad with fear and their sense of guilt. तो ये दोनों लोग जो होते हैं, King of Naples और Antonio, तो इन्हें बहुत पछतावा होता है और ये अपने गुनाहों का ये तौबा कर लेते हैं। तो Ariel गायब हो जाता है। Now that they have sincerely repented, we need not punish them further, said Prospero to Ariel. अब Ariel इतनी देर में Prospero के पास पहुंचता है, तो Prospero कहता है कि इन्होंने तौबा किया है, अब हम इन्हें और सजा नहीं देंगे। Ariel led them to the place where Prospero was. अब Ariel इनको Prospero के पास ले जाता है। When they saw Prospero, they were so amazed that at first they could hardly believe their eyes. जो ही ये Prospero को देखते हैं तो पहले ये यकीन ही नहीं इन्हें होता है। द किंग एग्रीड टू रेस्टोर द ड्यूकडम टू Prospero, एंड Prospero ऑन हिज पार्ट फॉरगिव द किंग ऑल दैट वाज पास्ट। तो किंग ऑफ नेपल्स एंटोनियो वगैरह ये राजी हो जाते हैं, कहते हैं कि हम Prospero का अपना ओहदा वापस करेंगे, और Prospero भी अब इन्हें माफ करता है। द किंग टोल्ड Prospero हाउ दे हैड बीन शिपरेक्ड एंड हाउ ही हैड लॉस्ट Ferdinand, हिज डियर सन, इन द रैक। अब Prospero को ये बादशाह किंग ऑफ नेपल्स बोलता है कि उनकी जो वो जहाज था वो कैसे समंदर में तबाह हो गया, और उसने उसका जो बेटा Ferdinand था वो समंदर में डूब गया। I am very sorry to hear of your loss, said Prospero. I lost my daughter too in the tempest. In a sense, Prospero was speaking the truth because he had lost his daughter to Ferdinand. अब Prospero इसे मजाक में कहता है कि मैंने भी इस तूफान में अपनी बेटी खो दी है, लेकिन उसका कहने का ये मतलब होता है कि उसने अपनी बेटी की शादी Ferdinand से करवाई होती है। How I wish they were both alive, said the king, to be king and queen of Naples. तो बादशाह नेपल्स का कहता है, काश वो दोनों जिंदा होते, अब वो किंग और क्वीन नेपल्स के बन जाते। Prospero took the party into his cave and showed them Ferdinand and Miranda, who were happily playing chess. अब Prospero इनको अपनी इस गुफा में ले जाता है, तो जहां वो Ferdinand और Miranda को चेस खेलते हुए देखते हैं। ओ वंडर, सेड Miranda, when she saw so many people together, how many wonderful people there are here, how beautiful mankind is. Gonzalo, the kind old man who had helped Prospero, wept for joy to see this scene of reconciliation. तो अब Miranda इन सब लोगों को देख के बहुत खुश हो जाती है। तो Gonzalo जो है वो अब वो देखता है कि इन दोनों की सलाह हो गई है, तो उसके आंखों से खुशी के आंसू टपकते हैं। Prospero broke his magic wand and buried his books of magic because he had no further use for them. He set Ariel free as he has promised. अब Prospero अपनी जो इसके पास जादुई छड़ी होती है इसे तोड़ता है, और एरियल को जैसे वादे के मुताबिक इसे आज़ाद करता है। Prospero
party sailed to Naples, leaving Caliban in possession of the island. अब ये कैलिबन को इस आइलैंड का हाकिम बनाता है. जहाज में बैठकर बाकी ये सारे नेपल्स की तरफ रवाना होते हैं. एरियल हेल्पड देम विद फेवरेबल विंड्स. दैट वाज द लास्ट सर्विस टू हिज मास्टर. एरियल अब अच्छी हवाएं पैदा करता है ताकि ये लोग जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचे. तो इस तरह से ये इसकी आखिरी खिदमत होती है अपने मालिक के लिए. सो दिस कंक्लूड्स आवर चैप्टर. खुदा हाफिज़.